मियाना थाना क्षेत्र के तहत दादी पोती की हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पहले पुलिस को सूचना दी गई कि दोनों की करंट लगने से मौत हुई। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो मामला हत्या का निकला। इसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों को सूचना दी गई। इस पर पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी मौका मुआयना करने पहुंचे। पुलिस सूत्रों की माने तो हत्या परिवार के ही किसी करीबी ने की है। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लता भदौरिया पत्नी सुशील भदौरिया बीते रोज अपनी 14 माह की पोती के साथ घर में अकेली थी, तभी आरोपियों ने उसे और उसकी पोती को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना की सूचना महिला के रिश्ते में लगने वाले परिवार के एक व्यक्ति ने पुलिस को दी। उसका कहना था कि करंट लगने से दादी और पोती की मौत हो गई, जबकि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो घर में खून बिखरा हुआ मिला। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस अधीक्षक राहुल लोढ़ा ने द ग्राउंड रिपोर्टर को बताया कि जिस शख्स ने पुलिस को सूचना दी उसका बयान अभी नहीं हो सके हैं। उसे बार बार बेहोश होने से पुलिस बयान नहीं ले पा रही है। पुलिस अधीक्षक का दावा है कि वह इस वारदात का जल्द ही पर्दाफाश कर देंगे। जो चाबी कौन रख रहा हूँ देने अपन कमरा की परिवार वाले हैं। लता भाई, बाबू साहब अंताप डॉटर और सुधीर, इन दो को रात में लता के लड़के दीपक ने अस्पताल में लेकर पहुंचा था हालत में, और वन रूट कराया था, करंट से मौत हो गई। आज उसकी कार्रवाई की गई तो दास पंचायत नाम वगैरह की गई, उसके शरीर पर चोटें हैं और वह आठ शरीर में हत्या का मामला है। उसका पीएम कराया जा रहा है और उसके बाद उसका तमाम मसले हो गया है।